गाजीपुर करंडा मैनपुर ब्लॉक के अंदर गोसंदेपुर से पूर्व जमुआ के बगल में सचता पट्टी के रहने वाले परम पूज्य नागा बाबा के परम शिष्य अवघर मस्त राम बाबा और अवघर मस्त राम बाबा के परम शिष्य श्री लहरी बाबा, जो कि लहरी बाबा आप लोगों के बीच में हैं और ये लोग के सबसे बड़े पीर दादा गुरु कीनाराम, इन लोगों की महिमा कोई जुबान नहीं है कि जो बड़ाई कर सके। जितना ही बड़ाई किया जाए उतना ही कम है। और बिरहा के बड़े सुंदर कलाकार जेपी सिंह रसड़ा के धरती से बोलने भैया मस्त राम बाबा कैसे हैं? ए मसरूफे कर्म है आज तक बिगड़ी बनाने में, घर देखा नहीं हमने कोई ऐसा जमाने में, इनके दर से कोई से। अब किसे देखूं तुम्हें देखने के बाद, लहरी बाबा मेरी आवाज सुन रहे हैं, अब किसे देखूं तुम्हें देखने के बाद, अब किसे पूजूं लहरी बाबा, अब किसे पूजूं तुम्हें पूजने के बाद, ये फैसला किया है तुम्हें देखने के बाद, इसलिए कहना है कि अखिया जहिया से कैले बा, अखिया जहिया से कैले बा, अरे दीदार स्वामी जी, अखिया जहिया दिल से बिसरे ना सुरतिया तोहार स्वामी जी, बिसरे ना सुरतिया राम का स्वरूप कैसा था? जात जई सनमुखड़ा, जात जई सनमुखड़ा, चकोर बस नहीं, जात जई सनमुखड़ा,
तोहरे रहिया में तोहरे पीछे सूरज रहिया रहिया में तोहरे तोहरे दर्श हो तोहरे दर्श सनित मन के अनहार स्वामी जी जो दुख का मारा जो गम जगा था श्री अवघर मस्तराम बाबा के जब दरबार में पहुंच जाता था और महाराज जी की नजर पड़ते ही उसके सारे गम सारे दर्द दूर हो जाते थे। इसलिए साथियों संत की कोई जात नहीं होती, संत गुरु महात्मा इनकी कोई जात नहीं होती है, ये भगवान के भक्त होते हैं और इनके अंदर एक पार शक्ति होती है साथियों कि अगर कोई रोता हुआ जाता है उसे हंसा करके दरबार से वापस करते हैं। इसलिए कहना है तुम्हारे दर्श सनित मन के अनहार स्वामी जी दिल से पिसेला सुरतिया तुम्हार स्वामी जी राम सच्चा पट्टी नागा बाबा के चेला ओम प्रकाश भैया ही ने आओ घर मस्त राम नागा बाबा के चेला मस्त राम बाबा के लहरियल बेला मस्त राम बाबा के चमके हीरा के जैसन लीलार स्वामी जी दिल से बिसरना सुरतिया तोहार स्वामी जी के करी में लहरी बाबा जब स्कूल में पढ़ रहे थे पढ़ते पढ़ते जब अपने रोजी रोजगार में लग गए एक रोज का एक लहरी बाबा के मन में भक्ति भावना समा जाती है और ढूंढते ढूंढते गुरु की तलाश में घर परिवार छोड़ करके चल देते हैं। आए कहां जौनपुर जिला कोलारी बाजार कि कहां से आशीर्वाद लूं किसे अपना गुरु स्वीकार करूं। तब तक वही बैठे थे और एक वृद्धा के रूप में मस्तराम बाबा
आकर के लहरी बाबा से मिलते हैं। बाबा एक दिशा निर्देश देते हैं, जहां बाबा की समाधि है उसी तरफ लहरी बाबा के कदम बढ़ जाते हैं और महाराज जी के समाधि पर जाते हैं, जाकर के प्रणाम करते हैं, वहीं से ज्ञान लेते हैं। मस्तराम बाबा की जब कृपा होती है लहरी बाबा के ऊपर, इसलिए एक लाइन मैं अपने गीत में लिख दिया हूं। मस्तराम बाबा, मस्तराम बाबा दे हला लहरी के ज्ञान हो, कृपनागा बाबा के। देखिए जब मस्तराम बाबा की कृपा लहरी बाबा के ऊपर हुई है, वहीं से वो दुआ फरमाते हैं नागा बाबा। नागा बाबा और किनाराम की भी कृपा लहरी बाबा के ऊपर होती है, इसलिए अपनी गीत में मैं अपनी कलम से पिरो करके लिखा हूँ। कृपा नागा बाबा के भैले महान हो, चमत्कार स्वामी जी। लहरी बाबा इतने उम्र में भक्ति में जब रम गए, तो मेहनत और तपस्या करके तमाम लोगों के सहयोग से चार मंदिर बनवा दिए, चार मंदिर बनवाए और पांचवा मंदिर की भावना दिल के अंदर बनी हुई है, सपना सजाए हुए है कि वो मंदिर कहाँ बनने वाला है। वाह 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 वाह, कितना कैले जगत ने चमत्कार स्वामी जी। दिल से बिसरना सुरतिया तोहार स्वामी जी, जिला के रहने वाले हैं और आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की मोहब्बत ऐसी हुई कि लहरी बाबा को जौनपुर केराकत की धरती इतना प्यार दुलार दिया कि आप लोगों के बीच में रम गए। इसलिए कहना है लहरी बाबा के, लहरी बाबा के चंदौली सीमा सिंह के, सीमा माता के गोदी के रतनवा, सीमा माता के लहरी बाबा करू जा, लहरी बाबा करू जा विचार स्वामी जी। की आखिरी कड़ी में मैं बताना चाहूंगा, पत्तू बिहारी तू मैं स्वामी चरणिया, सुमो
ना सुरतिया तोहार।